अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कबीर अफरीदी और अब बारी है फिर से पाकिस्तान टूरिज्म, लेकिन जाना है आपको, दिखाना है शोग्रान। पिशावर से सफर का आगाज किया मोटरवे पर, हजारा डायरेक्शन में आप खूबसूरत नज़ारे देखेंगे। एबटाबाद मानसेरा से होकर इस वक्त हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं बालाकोट। मौसम भी बहुत सुहाना है। बालाकोट से थोड़ा आगे आए हैं, मौसम इस वक्त आप देख लें, क्लाउड्स बिल्कुल ही, अभी हम क्लाउड्स से निकले हैं और आप देख भी सकते हैं एक बार फिर से क्लाउड्स हमें घेरे में लेंगे। तो ड्राइवर हजरात के लिए हैं कि जब विजिबिलिटी जीरो हो तो बहुत केयरफुली ड्राइव करें। यहाँ पर आना हो बड़ी गाड़ी का होना तो बहुत लाजमी है, 4x4 जिसमें हो, ड्राइवर का भी स्किल्स होने चाहिए, टैलेंटेड ड्राइवर हो तो भी शायद इजी होगा, और अगर चेन हो साथ तो वो स्नो में आप टायर पे चेन चढ़ाएंगे फिर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी आप जिस तरह देख रहे हैं रोड नैरो है, दो तरफ से गाड़ी आती है तो थोड़ा मुश्किल पेश आता है। बहरहाल इंशाल्लाह आखिर तक पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे शुक्रिया। शोग्रान पहुंच गए हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मेहमान, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात और कराची से। तो भाइयों से जानना चाहेंगे, जिस तरह समर वेकेशंस होते हैं लोग ट्रैवल के लिए जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, तो इस बार हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में लोगों में अवेयरनेस लाएं कि विंटर टूरिज्म को भी इंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह विंटर वेकेशंस होते हैं तो आना चाहिए, बर्फबारी से लुत्फानंदोज होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या तासुरात हैं? हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतना हसीन मंजर और खूबसूरती स्नोफॉल में हमें मिलेगी। हर तरफ पहाड़ों में, दरख्तों में बर्फ ही बर्फ है और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और भी दोस्तों को साथ लेके आए।
इस वक्त हम मौजूद हैं फहद भाई के साथ, जो कि पियोनियर समझे जाते हैं यहाँ पर शोग्रान में। होटल है, ओनर है लालाजार होटल के। फहद भाई, एक कोशिश है विंटर टूरिज्म को हमने प्रमोट करना है। माशाल्लाह आपके कहने के मुताबिक 11 साल से आपने यह होटल बंद नहीं की। हाँ जी, यानी साल 12 महीने आप गर्म पानी, रूम सर्विसेज, हीटर, सब फैसिलिटीज यहाँ पर है। तो फिर एक मैसेज आप दे दीजिए, इस व्लॉग में ऐड कीजिए, ताकि लोग अट्रैक्ट हो। उनके जहन में यह है कि समर में सिर्फ फैसिलिटीज है, विंटर में नहीं है। जी नहीं जी, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। एक्चुअली हमारे पास विंटर्स में सब कुछ यहाँ अवेलेबल होता है। गर्म पानी 24 घंटे होता है, हीटिंग रूम्स हैं हमारे पास, हमारे पास खाने पीने की मैक्सिमम बेसिक नेसेसिटी सब होती है यहाँ हमारे पास। अच्छा फहद भाई, ज्यादा लोग हम जिधर जाते हैं गिला करते हैं नेटवर्क का इशू होता है, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में नेटवर्क्स भी सही है। जी, मोबाइल 3G 4G सब चल रहे हैं, अवेलेबल है। हाँ जी, अवेलेबल है। क्या ऐसे पॉइंट है जो कि आप मेंशन करना चाहेंगे गवर्नमेंट या पब्लिक को, आप मैसेज देना चाहें जो कि इस इलाके में कमी हो वो पूरी हो? सबसे पहली मैं कहूँगा कि यहाँ जब आते हैं तो प्लीज सफाई का बहुत ख्याल किया करें। हमारे यहाँ सफाई का कोई वैसा बेहतर निज़ाम नहीं है। गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट ने अभी KDA डिपार्टमेंट ने यहाँ बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है, पिछले 2 साल से सफाई कर रहे हैं, बट फिर भी लोगों को ख्याल करना, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। लोग अपनी गार्बेज जो है वो खुद कलेक्ट किया करें, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी, हमें गवर्नमेंट से कुछ ये चाहिए होगा कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर मिलनी चाहिए, वो ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा रोड के ऊपर हेल्प आउट होना चाहिए कि बर्फ क्लियर हो। बाकी हम अपने ओन कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, हम लोग लोगों को खुश कर रहे हैं, बट थोड़ी सी हमें हेल्प की भी जरूरत है। बड़ा खूबसूरत नज़ारों में ड्राइव किया, फाइनली हम पहुंच गए हैं होटल है आसानिया कागान वैली में। और अब बारी है थोड़ा बॉन फायर से लुत्फानंदोज़ होंगे, साथ साथ गर्म चाय भी होंगे। मौसम इस वक्त भी बहुत अच्छा मौसम है, हल्की बारिश हो रही है। अच्छा, होटल के ओनर डायरेक्टर हमाद भाई से थोड़ा जानना चाहेंगे। महीना है दिसंबर का, और इसके बाद अगर टूरिस्ट आना चाहते हो कागान वैली, कहाँ तक पहुँच सकते हैं, नारान तक पहुँच सकते हैं या नहीं? अपने होटल का लोकेशन भी बताइएगा, टूरिस्ट अगर आना चाहे उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक लोकेशन बताता हूँ अपने होटल की, कि हमारा होटल एक्चुअली किस पॉइंट पर लोकेटेड है। जो मेन जगह है इसको पारस कहते हैं, ये तकरीबन शोग्रान से 7 किलोमीटर की ड्राइव पे है, और फिर आगे आप कागान वैली, मेन कागान वैली तक जाते हैं तो 21 किलोमीटर यहाँ से मेन कागान वैली तक की ड्राइव है। फिर यहाँ से अगर आप बाबूसर टॉप या नारान तक जाते हैं, नारान यहाँ से 51 किलोमीटर है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ हमारे होटल की फैसिलिटीज़। हमारे पास माशाल्लाह से पूरी कागान वैली के तकरीबन सबसे अच्छे जो रूम्स हैं वो हमारे पास है। एक तो स्पेशियस हैं, नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट हमने प्रोवाइड किया हुआ है, फैमिली इन्वायरमेंट है, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, एक नहायत ही हमने एक स्टैंडर्ड को बरकरार रखा हुआ है।
दुबई में खाना पीना किया, वापसी है पिशावर। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। याद रखें हमें दुआओं में। वस्सलाम।